बहू के यहाँ से सामान आया है, मैं यूं कहीं भेज दूंगी उसमें। इतनी सुंदर साड़ी थी, मुझे देखते ही पसंद आ गई वो। कितना ही दे लो इन भूखे नंगों को, इनका पेट नहीं भरता कभी भी। हाँ मम्मी जी, आपने सही कहा। हर शनिवार और बुधवार को सुबह 9:15 पर हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाइव मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पार्ट 1 में अभी तक आपने देखा कि प्रिया के घर से त्योहार का सामान आता है, जिसे उसके सास अपनी बेटी के घर भिजवाने की बात कहती है। सारा सामान है ना, मैं रेनू के यहाँ भिजवा दूंगी। लेकिन मम्मी, ये साड़ी तो मम्मी ने मुझे दी है, तेरी ननद पहन लेगी तो कुछ हो जाएगा। हे भगवान, जिसकी सुख को भी तू बेटी देना, उसके माँ बाप की जेब कभी खाली ना हो। अब आगे। हेलो। हाँ बेटा सुन, वो ना रेनू के यहाँ ना तीज का सामान पहुँचाना है। बहू के यहाँ से सामान आया है, मैं यूँ का यूँ भेज दूंगी उसमें एक दो सामान और मिला के। हाँ अभी हाथ क्या चला जाएगा, और आज ही दे आ। अरे वो फल मिठाई खराब हो जाएंगे फिर। या सुन, तू रहने दे, ड्राइवर को भेज दे, फिर मान करनी पड़ेगी वहाँ पे सबकी, बेखाम में खर्चा हो जाएगा तेरा। तू जाएगा तो सबको पैसे देने पड़ेंगे, ड्राइवर बाहर के बाहर दे आएगा सामान। तू रहने दियो, ड्राइवर को भेज दियो, ठीक है ना। हाँ भेज जल्दी उसको, ठीक है बेटा। हेलो। हाँ रेनू। हेलो, कैसी है मेरी लाडो, सामान पहुंच गया बेटा? हाँ मम्मी। मम्मी तू रो क्यों रही है? मम्मी पहले चुप हो जा। मम्मी आपने ना जो मैं सामान मेरे लिए भेजा था ना त्योहार का, वो सारा का सारा ना मेरी सास ने ना अपनी बेटी को भेज दिया। अरे ऐसे कैसे दे दिया? अरे वो मैंने सामान तेरे लिए भेजा था बेटा, ना कि उन भूखे नंगों के लिए। अरे तूने दिया ही क्यों सामान, तू भी है ना, तू है ना चुपचाप अपने कमरे में ले जाते सामान, उनको दिखाना ही नहीं था। कुछ भी नहीं लेने दिया उसमें से, इतनी सुंदर साड़ी थी मुझे देखते ही पसंद आ गई वो। हाँ मेरे हाथ में से छीन ली उन्होंने, बोली तू क्या करेगी, दे दे। बताओ इतनी महंगी साड़ी थी वो। अब देख अगली बार है ना त्योहार पे मैं कटोरा भिजवाऊंगी तेरी सास के लिए, और कह दियो कि कटोरा लेके ना चौराहे पे भीख मांग लेगी। कितना ही दे लो इन भूखे नंगों को, इनका पेट नहीं भरता कभी भी, हद होती है भाई। अच्छा तू चिंता मत कर, अब की बार तू आएगी मैं तेरे सारा सामान तेरी पसंद का दिलवा दूंगी। ठीक है मम्मी। हाँ तू चिंता मत कर, ठीक है बेटा। बताओ बहू का सामान बेटी को भिजवा दिया, या कोई बात हुई? क्या हुआ मम्मी जी? अरे प्रिया देखना, ये कोई बात हुई है, भेजा मैंने अपनी बेटी को सामान और उन्होंने अपनी बेटी को भिजवा दिया, रेनू की नंद को। इतना ही त्योहार मनाना तो खुद खरीद के भिजवा देती, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के क्यों दिवाली मनाते हैं ये लोग। हाँ मम्मी जी आपने सही कहा, बहू का सामान है ना कभी बेटी को नहीं देना चाहिए। रेनू के यहाँ भिजवा दूंगी। लेकिन मम्मी ये साड़ी तो मम्मी ने मुझे दी है, तेरी ननद पहन लेगी तो कुछ हो जाएगा। बहू के यहाँ से सामान आया है, मैं यूँ का यूँ भेज दूंगी उसमें एक दो सामान और मिला के। हाँ अभी हाथ क्या चला जाएगा। बहुत गलत करते हैं लोग। और आपने एक बात सही कही, अगली बार है ना त्योहार पे मैं कटोरा भिजवाऊंगी तेरी सास के लिए, और कह दियो कि कटोरा लेके ना चौराहे पे भीख मांग लेगी। कितना ही दे लो इन भूखे नंगों को, इनका पेट नहीं भरता कभी भी। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही, ऐसे लोगों के हाथ में ना कटोरा दे देना चाहिए। रुकिए मम्मी, मेरे घर से कटोरा नहीं आया मम्मी जी, तो आप ये कटोरा ले लीजिए।
एक लड़की की शादी के वक्त लोभी और लालची लोगों के द्वारा दहेज मांगना तो आम बात है, पर लड़की के घर वालों को मोह मांगा दहेज देकर भी लेन देन से छुटकारा नहीं मिलता। लोभी और लालची लोग त्योहारों की आड़ में लड़की के घर वालों से छोटा दहेज हमेशा मांगते रहते हैं। आपको क्या लगता है, प्रिया ने अपनी सास को कटोरा दिखाकर ठीक किया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।